ରଚିବା अच्छा जी, मेरा आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 पाकिस्तान स्टडीज इंपॉर्टेंट बेस्ट पेपर, जो कि आपको मतलब थे बेटा पाकिस्तान स्टडीज आपके तीन जो है वो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू जो सेक्शन ए, सेक्शन बी आपका फोर्थ क्वेश्चन जो कि 36 मार्क्स पे, आपके एमसीक्यू 15 मार्क्स में, और सेक्शन सी जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स का होता है। अच्छा जी, आपका 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का, ठीक है जी, कितने नंबर है भाई 4, जबकि आपके ये 12 मार्क का, जबकि एक एमसीक्यू आपका एक नंबर का होता है, तो मतलब 15 आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं और 36 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 24 नंबर के, जिसमें आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 12-12 नंबर के होते हैं। अच्छा जी, आगे मैं चलता हूं और आगे आज हम जो ना बड़ी कीमती चीज इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, बारी बारी चैप्टर वाइज मैं आपके सामने चीज जो है वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाए, चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास अगर हम देखते हैं जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, और वो क्वेश्चन कितने तरीके से आता है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1, व्हाट इज आइडियोलॉजी, ठीक है जी, उसके बाद आगे व्हाट इज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कायदे आजम एंड अल्लामा इकबाल ऑन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट, ये भी आपके पास शॉर्ट, और ये भी आपके पास शॉर्ट। आपके पास देखो शॉर्ट, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन बन के आता है जिस क्वेश्चन के अंदर आप इन तीनों क्वेश्चन को अगर मिला दो तो आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज आइडियोलॉजी, ठीक है जी, एंड राइट डाउन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ कायदे आजम एंड अल्लामा स्टेटमेंट ऑन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कि आपको आइडियोलॉजी बतानी है, आइडियोलॉजी क्या होती है, इसके बाद आपको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बताना है और फिर आपको उसको प्रूफ करना है कायदे आजम और अल्लामा इकबाल की स्टेटमेंट के साथ। चैप्टर नंबर 1 में ही आपका स्टेटमेंट ऑफ कायदे आजम, स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल मौजूद है, जिसमें कायदे आजम की स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास कायदे आजम की स्टेटमेंट एक है, आर डिमांड नॉट अ पीस ऑफ लैंड, कि हमारी जो डिमांड है वो जमीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बागार, एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं जहां पर मुस्लिम अपनी जो है वो क्या कर सके, आजादी से अपने दीन को, अपने मजहब को जो है फॉलो कर सके। दूसरी स्टेटमेंट थी आपकी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, कि पाकिस्तान तो उसी वक्त बन चुका था जब एक नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था। इसी तरह अल्लामा इकबाल की स्टेटमेंट है कि बर्रे सगीर कोई कंट्री नहीं है, बल्कि बर्रे सगीर तो बर्रे सगीर है जहां पर मुख्तलिफ जबानों के, मुख्तलिफ मजहब के, मुख्तलिफ तहजीब के, मुख्तलिफ सकाफत के लोग रहते हैं, ठीक है जी, और यहां पर दो बड़ी कौमें हैं जो हिंदू और मुसलमान है, और इन सबके अपने, इन दोनों के अपने मजहब हैं, इन दोनों की अपनी रसूमात हैं, इन दोनों की अपनी तहजीब है, इन दोनों की अपनी सकाफत है, तो बेहतर है इन दोनों कौमों को अलग कर दिया जाए। फिर अल्लामा इकबाल की एक और स्टेटमेंट हमें लिखी है जो आपने अलाहाबाद एड्रेस 1930 में लिखी, 1930 में, कि आई वुड लाइक टू सी द पंजाब सिंध बलोचिस्तान दे आर एमल्गमेटेड टू अ सिंगल स्टेट, कि एक वक्त ऐसा आ रहा है जब मैं जो देख रहा हूं कि सिंध पंजाब बलोचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज के दौर में केपी के भी कहा जाता है, ये एक साथ मिलकर एक रियासत बन जाएंगे। इस तरह की आपकी जो स्टेटमेंट है, अब आप ये देखें तीन शॉर्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे, तीन शॉर्ट क्वेश्चन है,
अब ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन है, जब एक साथ मिलता है तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। आगे चलो, आपके पास ये दो हो गया, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और नॉन कोर क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात आती है, एक और सवाल बच्चों को आता है, सर क्या हम आइडियोलॉजी, व्हाट इज आइडियोलॉजी में सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी लिखे, याद आया सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कौन कौन सी है भाई? होली कुरान, ठीक है जी, सुन्ना, ट्रेडिशन एंड कल्चर, ठीक है जी, ये तीन है। क्या हम लिखते हैं? तो बेटा मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, अगर आप एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं उसके ऊपर, तो आप गाइड करें उसको कि भाई मुझे सब कुछ पता है कि आइडियोलॉजी होती क्या है, और फिर आइडियोलॉजी आपने बता दी कि भाई आइडियोलॉजी क्या है, कोई भी नजरिया, कोई भी सोच, कोई भी ख्याल, कोई भी देखने का तरीका, और इस्लाम में ये तीनों चीजें किस चीज में, सुन्नत कुरान, सुन्नत ट्रेडिशन और कल्चर, ये लोग। उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को देखिए, तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास कौन सी चीज आती है? डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्ट, और सेकंड सोशल डीलिंग्स, ठीक है जी, नहीं सोशल डीलिंग्स, जस्टिस, सिक्योरिटी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये हो गई मेरी बात। तो आप ये देखिए, आपको ये भी चीज बतानी पड़ेगी, वो भी आइडियोलॉजी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, के इस्लाम, इस्लाम में आइडियोलॉजी क्या है, उसके बाद आपके पास पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी मुसलमान है उसके अकायद किस चीज के ऊपर है। आपको पता है इस्लाम के अंदर 5 अकायद है, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की तौहीद पर ईमान, रिसालत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान और आखरत पर ईमान। आपके पास अगर ये ईमान है तो आप कौन है? मुस्लिम, ठीक है जी। और सोशल डीलिंग मतलब हुकूक की बात, कि आपको मुआशरे में किस तरह जिंदगी गुजारनी है। दूसरा स्टेटमेंट, ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो आपको जो है वो अक्सर आपको 10 ईयर्स में मिल जाता है, नहीं शॉर्ट में इतना डिफाइन नहीं करना होगा, नहीं नहीं नहीं, आप इसे लिखना है कायदे आजम की डेथ ऑफ बर्थ, जी सही जी, ये लिखते हैं आपकी डेथ और बर्थ, साथ लिख दिया आपने, उसके बाद आप कौन थे, आपका छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देना है, जो आपके उसमें लिखा हुआ 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, वो लिखने के बाद फिर आप बता देंगे भाई ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इकबाल ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के लिए ये कहा, छोटा सा 2-3 लाइनों का बस। असल में अगर आप ये लिखना शुरू करेंगे ना आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में लॉन्ग में, तकरीबन आपका बोर्ड के एक पेज का भी ये आएगा, सेकंड पेज में आपका ये आएगा, थर्ड पेज में आपका आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, फोर्थ पेज में आएगा आपकी स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह का कायदे आजम मोहम्मद अली, सवाल कितना बड़ा है आप देखे। तो अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 सवाल अगर अलग कर दो 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, आगे चलो, यहां तक क्लियर हो गई? मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग, मैं बच्चों को ये कह रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसे लॉन्ग याद करें जिसमें शॉर्ट क्लियर हो रहे हो, तो पहली फुर्सत में लॉन्ग याद कर लेना, शॉर्ट को पीछे नहीं भागना, ठीक है जी, नहीं सही जी। आगे चलो, चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, आ गया, और लिखा होता है एंड एक्सप्लेन जस्टिस या इक्वलिटी, शॉर्ट आपको डेमोक्रेसी बताना है, डेमो मतलब क्या होता भाई? नो पीपल,
क्रेसिन गवर्नमेंट, लोगों की गवर्नमेंट, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है जी, डेमोक्रेसी जमहूरी को कहते हैं, क्या मतलब है, डेमो मीन्स पीपल्स एंड क्रेसी मीन्स उसकी गवर्नमेंट। अब जो भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट आएगी वो किस चीज के ऊपर अमल करेगी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटरनिटी एंड टॉलरेंस। अब अगर आपके पास शॉर्ट में आते हैं तो क्या करेंगे आपको कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, आपका क्वेश्चन लिखा होगा या आपसे लिख देंगे एक्सप्लेन जस्टिस इक्वलिटी, ये होगा आपके पास। हाँ बेटा पहले यही तो लिखोगे आप, उसके अलावा जस्टिस को आप डिफाइन कर दोगे एज अ शॉर्ट में, शॉर्ट में मीन आप जितना वाला पैराग्राफ है पूरा नहीं लिखेंगे, आप बताएंगे जस्टिस है क्या, और आपको पता है जस्टिस, फर्टिलिटी, टॉलरेंस और इक्वलिटी के अंदर आपको पता है एक में एक वाक्य का जिक्र किया गया है, इक्वलिटी में हुज्जतुल विदा का जिक्र किया गया है, जस्टिस में आसा सलम के दौर में इंसाफ का जिक्र किया गया है, और इसी तरह फर्टिलिटी में ब्रदरहुड, भाईचारे का, अंसार और मदीने वाला जो वाक्य था वो आपने डिस्कस किया है, टॉलरेंस में बर्दाश्त का जिक्र किया गया, ठीक है जी। तो आप इसमें डिस्कस कर देंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर आके कंप्लीट। आगे चलो, अब यही चीज अगर आपके पास लॉन्ग में आ जाए तो ऐसा ही, व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, इन इस्लाम, तो फिर आपको पूरा वाजे करना पड़ेगा। देखिए बेटा, मैंने जो आपको बात कही थी, देखिए लॉन्ग और शॉर्ट कोई फर्क नहीं होता, शॉर्ट में आप थोड़ी सी वर्डिंग कम कर देते हैं, लॉन्ग में वर्डिंग ज्यादा होती है। अगर आप लॉन्ग में इसकी याद करते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉन्ग में जब आप कोई चीज याद कर रहे हैं तो आपकी नजर से सब कुछ गुजर रहा होता है, लेकिन जब आप शॉर्ट में याद कर रहे हैं, शॉर्ट में आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, तेरी चीज को ही ये उससे लाइन याद नहीं होगी, सुखा दो आप याद करते हो 7 लाइनें, कितनी लाइनें, पेपर के टाइम पे सिर्फ 4 लाइनें याद होती हैं, आप बोलते हैं मैं भूल गया। और कभी तो ऐसा होता है कि आप पूरे सवाल लिख रहे हैं, बीच के कुछ चीजें गायब हो गया, इसका नुकसान आपको क्या होता है, पेपर्स की हालत में नंबर कम होने की जरूरत, ठीक है जी। आगे चलो, यहां तक क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 1 का, लास्ट है ना, कौन सा है, नेशनल कैरेक्टर, याद है, शॉर्ट के लिए, राइट इन फॉर नेशनल कैरेक्टर्स, ठीक है जी, कोई विचार, मैं बच्चों को देता हूं आसान से, जिसको आप अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं, पैट्रियोटिज्म अपने लफ्जों में लिख सकते हो कि वतन से मोहब्बत करना क्या होता है, कमिटमेंट या वादा पूरा करना, ठीक है जी, हार्डवर्क अपने लफ्जों में लिख सकते हो, और फोर्थ कौन सा हो सकता है, स्ट्रेंथ, आपका अपना ईमान अकीदा पक्का होना चाहिए, ये चार हो गए, ये वो हैं जो आप अपने अपने पास से भी इनको लिख सकते हैं, ये छोड़ेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस, ये आप अपने पास से लिख सकते हैं। पेट्रियोटिज्म मतलब वतन से मोहब्बत करना, हुब्बुल वतनी जिसको कहा जाता है, कमिटमेंट मतलब किसी से अगर कोई वादा किया जाए, कोई अहद किया जाए तो उसकी उसको पूरा करना, आपके हार्डवर्क मतलब मेहनत करना, उसके बाद आपका क्या है, सर अपने अकायद और ईमान को पक्का रखना, ये नेशनल कैरेक्टर है इंसान का। आगे चलो, यहां तक क्लियर हो गई मेरी बात, या ऊपर से जा रहा है सर। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आज चैप्टर नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे, जस्ट 2 भी शायद पूरा ना हो, चैप्टर नंबर 3 पे चले वो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के लिए पूरी क्लास चाहिए। चैप्टर नंबर 3 2 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन भाई, अगर आपने पाकिस्तान स्टडीज में चैप्टर नंबर 1
टू थ्री और एट, दोबारा बोलो, वन टू थ्री और एट, अगर आपने तैयारी कर ली ना इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स आपके पक गए, कर ली बेहतरीन। और टेन ईयर देखी थी आपने, क्वेश्चन नहीं थी, जाके देखना चाहिए। चैप्टर नंबर वन दोबारा बोलो, वन टू थ्री और एट, अगर आप कर लो तो अपनी जाके टेन ईयर से अपने आप को फॉलो करवाना, आपको पता चल जाएगा। आठ चल रहे हैं, गुड, आगे चलो भाई। चैप्टर नंबर थ्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ, और वो जो कुछ है ना वही कुछ आपके पेपर में आते हैं तकरीबन। चैप्टर नंबर थ्री में से तकरीबन कभी गलत भी अंदाजे साबित हो जाते, कभी ऐसा होता है कि कभी आपके चैप्टर नंबर थ्री से दो क्वेश्चन तो मस्त बनते हैं, दो बनते हैं, एक लॉन्ग बनता है, दो शॉर्ट। अब कौन से है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। चैप्टर नंबर थ्री में आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन चैप्टर नंबर थ्री, राइट फाइव साइलेंट फीचर्स ऑफ 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हाँ आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। उन्होंने क्यों लॉन्ग में करता हूँ, चैप्टर है जो आपका हेड हुआ आई थिंक चैप्टर नंबर 12, ठीक है, उसमें यहाँ तक आर्टिकल आपके मौजूद हैं, बाकी आर्टिकल भी आपके चैप्टर नंबर 12 में, हो सकता है उन्होंने उसको मिला के लॉन्ग कर दिया होगा, चांसेस आई थिंक इतने नहीं है उसके लॉन्ग में आने, देख लेते उसको भी देख लेंगे हम, आएंगे ना उस तरफ। तो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का 1973 कॉन्स्टिट्यूशन और चैप्टर नंबर आपका 12 का इंशाल्लाह 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको दोनों को मिला के समझा दूं, ठीक है जी। हाँ जी आगे चलो, चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपको पता है जब आपके किसी चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते ना, ये कोई ज्यादा आपके टॉपिक्स नहीं होते या ज्यादा आपके सब्जेक्ट नहीं होते, फिर जो बच्चे को जो सब्जेक्ट होते वही इंपॉर्टेंट होते, नहीं समझ में। चैप्टर नंबर वन को अगर हम देखें उसमें अच्छे खासे टॉपिक बन जाते हैं, लेकिन उस टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती जो मैंने अभी आपको चैप्टर नंबर वन की बताई। इसमें चैप्टर नंबर थ्री में है ही तीन ही पार्ट है जिनको ज्यादा देखा जाता है और ज्यादा आपके पेपर में भी नजर आएंगे वो 10 इयर्स में पास पेपर्स में, 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह से आपसे पूछा जाता है जी, और इसका तरीके का मैं बताऊंगा कि आप एक तरीके से दोनों क्वेश्चन की तैयारी करें, और अगर वो दोनों तरीके के क्वेश्चन आएगा आप कोई भी आंसर लिख देंगे इसमें और वो क्लियर हो जाएगा। और नंबर थर्ड द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जी, ये शॉर्ट में भी आता है लॉन्ग में भी आता है, ठीक है जी। आगे चलो, 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया, एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालकर डाल दी गई कि 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या। आपको पता है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आपके 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान बनने से तकरीबन बिफोर 3 दिन पहले आपने एक असेंबली बनाई जिसका नाम था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है जी, पाकिस्तान की ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनने के एक साल बाद इंतकाल हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई। उसके बाद जो सेकेंड गवर्नर जनरल आए उनका नाम था ख्वाजा नाजिमुद्दीन, इन्होंने फिर बात दोनों संभाली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा गया कि आपने जब तक पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता जब तक हम 1935 के एक्ट को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तस्लीम करेंगे। और ये 1949 के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी जिसके जो फीचर्स थे जो पॉइंट्स थे उनको 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है जी। अब वो कौन से हैं जरा सुनिएगा, ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया,
दो लाइन में, ढाई लाइन या तीन लाइन का, एज यू विश। पेपर आपके ऐसे आपने भरे, पूरा साल आपने पढ़ा पेपर कैसे भी सॉल्व करो। हमारा काम है आपको समझाना, आपका काम है समझना, ठीक है। आप समझे या ना समझे ये भी आपका काम है। आपने पॉइंट लिखा, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, जस्ट 5 से आगे नहीं बन भाग, इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं बनना। 5 से आगे वो भागते हैं जिनको पता होता है यकीनन हमारे इन 5 में से कोई एक खराब होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो स्टार्ट के 5 पढ़ते हैं, छठे को नहीं पढ़ते, या 6 को नहीं पढ़ते। नंबर 1 पॉइंट का साइलेंट फीचर का, सोवरेनिटी बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह, तमाम इक्तदारे आला अल्लाह ताला के पास है। अब बात आती है सर, क्या हम डायरेक्ट किताब से याद करें, नोट से याद करें, हम डायरेक्ट लिख कर आए? डायरेक्ट लिख के ना आए। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि हमेशा पाकिस्तान स्टडीज में आपकी हेडिंग्स चलती हैं। आप शॉर्ट लिख रहे हो, आप लॉन्ग लिख रहे हो, आपको हेडिंग डालनी है। और आपने अपनी पाकिस्तान स्टडीज की बुक में भी देख लिया होगा, अगर वो चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी के अंदर, वो आपको पैराग्राफ भी दे सकते थे पूरा। लेकिन उन्होंने क्या किया, होली कुरान को अलग कर दिया, सुन्नत को अलग कर दिया और ट्रेडिशन कल्चर की भी हेडिंग डाल दी। इसी तरह हेडिंग नंबर 1 सोवरेनिटी बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह, हेडिंग नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, हेडिंग नंबर 3 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, नंबर 4 आपका फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, और नंबर 5 आपका जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट। फेडरल भी लिख सकते हैं, एजू रिच, जो आपको याद है, ठीक है। याद हो गई, आगे चलो। 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन समझ में आ गया। आपके पास एक सवाल आएगा, आपको 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 2 लाइन का आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है, 5 पूछ रहे तो शॉर्ट ही होगा, शॉर्ट होगा, इसमें आपको 5 पॉइंट लिख देने हैं। लिखने किसके साथ है, हेडिंग के साथ, जस्ट लाइक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लाइन डाल दी। नंबर 2 सोवरेनिटी, लाइन डाल दी। नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, लिख दिया। जुडिशरी, लिख दिया। उसके बाद कौन सा था, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है जी। हेडिंग लास्ट में डाले, हर सवाल में हेडिंग लास्ट में डाल दी। आगे चलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान के अंदर और भी कॉन्स्टिट्यूशन बने, बिल्कुल बने। 1949 के बाद, पहले मैं आपको यह समझा दूं, 1949 के बाद 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस टाइम पे जब बनाया गया तो कौन थे, इस्कंदर मिर्ज़ा, ठीक है। 1956 का जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा वो कौन था आपका, अयूब खान, जनरल अयूब खान, ठीक है। जनरल अयूब खान का 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो किसने बनाया, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने तोड़ा, जनरल अयूब खान ने। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अयूब खान ने, 56 का इस्कंदर मिर्ज़ा ने बनाया, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने तोड़ दिया, फिर इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1962 का, ठीक है जी। और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने तोड़ा, याया ने, याया खान ने, ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट जो था वो था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो अब तक चल रहा है। आप लोग फीचर पूछे जाएंगे, लाइक Five features of 1973 Constitution. यहां तक हो गया, आपको 5 features बता देने भाई, जिसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप 5 features बता देंगे। नंबर 1 पॉइंट कौन सा था, नंबर 1 features, डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम, जो भी शख्स मुसलमान होगा
वो अल्लाह ताला को एक मानेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी तस्लीम करेगा। नंबर दो, जो भी आपके मुल्क का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होगा उसका मुसलमान होना लाजिम है। नंबर थर्ड, मतलब पाकिस्तान में पहली बार फर्स्ट आइडियोलॉजिकल काउंसिल बना दी गई। नंबर फोर, कादियानी आर नॉन मुस्लिम, ठीक है जी, कादियानी जो है वो गैर मुस्लिम है। और उसके बाद और कौन सा था नेक्स्ट? नहीं 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 नहीं, हम इस्लामिक की बात करें, पता ना यार, इस्लामिक का एक पॉइंट था और वो था ना, नहीं नहीं एक पॉइंट और था, हाँ एक और पॉइंट था और उसमें ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो भी आइडियोलॉजी, मतलब जो भी इस्लामी जो भी किताबें वगैरह छपेंगी या भी इस्लामी तहरीक वगैरह चलेगी उसकी बकायदा एक तंजीम बना दी गई, ठीक है जी। ये आपके पॉइंट थे जो आप जो है उसमें लिखे, सही है जी। आगे चलो, अच्छा हाँ मिल गया, सॉरी मैंने दोबारा गलत बोल दिया था। आइडियोलॉजिकल काउंसिल का ही काम था इस्लामी चीजों को जो है वो वाजे करना या उनको सही तरीके से उनकी तस्दीक करना या उनके ऊपर रिसर्च करना, गाइड करना, ठीक है। एक और था नंबर फाइव पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट के अहदेदारान हो, उनके ऊपर हेल्प लेना लाजिम हो, ओथ, ओथ सेरेमनी होती है ना वो लेना, ठीक है जी। तो ये इस्लामिक पॉइंट है। ये सवाल दो तरह से पूछा जाता है, ये सवाल कहलाते हैं, एक ये तो है नॉर्मल सवाल, अगर मैं इस चीज में और डाल दूं राइट फाइव, नहीं नहीं कोई मेरे वाले बुक में मौजूद है आपके, राइट फाइव इस्लामिक, मैंने कौन से बताया आपको इस्लामिक बताया ना, ये वाला कौन, अगर ये इस्लामिक बना दो तो कौन सा आगे नॉर्मल, अगर आप इस्लामिक बात कर लो तो इस्लामिक वाले इस्लामिक में भी आ जाएंगे और इसमें भी लगेंगे, उसी बात इस्लामिक वाले याद कीजिए। आपके पास मौजूद है पॉइंट नंबर टू थ्री फोर टेन, टू थ्री फोर और टेन, ये चारों जो आपके कौन से इस्लामी है। और एक पॉइंट मैंने और एड करवाता हूँ बच्चों को, कादियानी या नॉन मुस्लिम, कादियानी, कादियानी जो क्या है नॉन मुस्लिम, ठीक है जी। आगे चलो, अच्छा कादियानियों की वजह से तो डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम को एड किया गया था 1973 में, क्योंकि कादियानी आप सल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते, इनकी वजह से एड किया गया कि जो भी शख्स मुसलमान होगा वो अल्लाह को एक मानेगा और आप सल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करेगा। और उस वक्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है जी, उस वक्त, और दूसरे कौन थे आपके, याया जी, ठीक है जी। आगे चलो, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, अच्छा जी आगे हम जा रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगस्त, हाँ अच्छा जी आगे चलो। आई थिंक 1971 में हुआ था भाई साहब जी, आपके 1970 में जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान जीत गया था, उसको जेल में डाल दिया गया था, फिर तहरीक चली थी और तहरीक से भी 1971 में आपका जो पाकिस्तान है वो इंडिया से, सॉरी आपका पाकिस्तान जो बांग्लादेश से अलग हो गया था, ठीक है जी। आज यही तक रखते हैं यकीनन, ठीक है भैया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। आज हम चैप्टर नंबर 3 को दो क्वेश्चन की तरफ जो है वो हमने रख दिया, 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है जी, और आज हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन किया, ठीक है जी, और आज हमने और पोल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक है जी। अपना खूब ख्याल रखें और तैयारी करते रहें जो इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करें, फिर मिलते हैं आपसे मिलने के बाद, अल्लाह हाफिज़।